हेलो फ्रेंड्स, एसएल चैंप यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में कवर करने वाला हूं पहला 2020 मैच, जो कि आयरलैंड और इंडिया के बीच ये मैच डबलिन में 18 अगस्त शाम के 7:30 बजे खेला जाने वाला है। दोस्तों, तीन के तीन मैचेस एक ही पिच यानी कि डबलिन में खेले जाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यार देखो, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि गाइस इंडियन टीम की प्लेइंग इलेवन क्या रहेगी। पहला मैच है तो गाइस देखो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्लेइंग इलेवन क्या रहेगी, प्लेयर का पोजीशन क्या रहेगा। और गाइस देखो, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि गाइस इस मैच में हमें कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो यार, बहुत ही क्लियर बात है, देखो यार पहला मैच है और देखो दोनों टीमों के प्लेयर के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो देखो गाइस, आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम करके चलो, बाकी जो दो मैच बचेंगे आप देखो उसमें आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके चलना। तो गाइज मेरे साइड से गाइज इन्वेस्टमेंट के लिए मैच उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आपके लिए गिववे भी है, जो कि गाइज आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आप उसका सही जवाब देते हो तो आपको गिववे विनर के रूप में दोस्तों 300 रुपये का फ्री प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई गिववे में पार्टिसिपेट करना, और गिववे का क्वेश्चन मैं दोस्तों आपसे कभी भी मैं पूछ सकता हूँ, वीडियो के बीच में भी और वीडियो के एंड में भी, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो में गाइज आपको सभी चीजें बिल्कुल बारीकी से मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को सीधा स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट। देखो, पिच रिपोर्ट जो डबलिन का जो फील्ड है वो दोस्तों बहुत छोटा सा फील्ड है, और गाइज देखो यहां पर ना बाउंड्री आपको काफी इजीली लगते हुए दिख सकते हैं। तो गाइज इस बात से आप हैरान मत होना कि गाइज पिच बैटिंग फ्रेंडली रहेगी, ठीक है। यहां पर दोस्तों गुड स्कोरिंग पिच है, और यहां पर अगर गाइज यहां पर रिकॉर्ड की बात कर लूं तो टोटल 16 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 7 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने मैच को विन किया है और 9 बार यहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। तो गाइस देखो, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है बैटिंग सेकंड करती है। देखो यार, जिनकी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग हुई वो देखो यहाँ पर मैच को विन कर लेगी, ठीक है। यहाँ पर आप रिकॉर्ड चेक कर लो, एवरेज स्कोर यहाँ पर 160 से 180 के बीच में, यानी कि यहीं से आपको एक आइडिया लगेगा दोस्तों कि यहाँ पर आप मतलब जो ये पिच है वो देखो एक बैटिंग फ्रेंडली स्लॉट है, ठीक है। वहीं अगर मैं बॉलिंग की बात कर लूँ तो गाइस देखो यहाँ पर ज़्यादा मैचेस खेले जाते तो है नहीं। लास्ट 3 T20 मैच की बात कर लूँ तो पेसर्स ने 24 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने केवल 10 ही विकेट लिए हैं। तो गाइस ये फील्ड फास्टर बॉलर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पिच है, ठीक है। और कुछ मैचेस जो यहाँ पर पिछले साल खेले गए थे 1-2 सालों में, उनका मैंने भी रिकॉर्ड ऐड किया है। यहाँ पर आप पेसर्स का विकेट देख लो और स्पिनर का विकेट देख लो, सारे मैचेस में आप देख लो पेसर्स ने लगभग दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, ठीक है। जो यहाँ पर पिछले साल मैच हुआ था इंडिया और आयरलैंड का, इंडिया ने 4 रनों से मैच को विन किया था। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप मैच देख सकते हो, जो भी मैच यहाँ पर हुए हैं वो गाइस देखो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, ठीक है। हेड टू हेड मैच की बात कर लूँ तो गाइज टोटल इन दोनों टीमों के बीच 5 बार मैच खेला गया है 2020 का, जिसमें से 5 का 5 बार दोस्तों इंडियन टीम मैच को विन कर लिए। दोस्तों ऑन द फील्ड और ऑन द पेपर देखा जाए तो गाइज इंडियन टीम आपको एक स्ट्रांग टीम दिखने वाली है, बट गाइज देखो 2020 के मैच में ना कभी भी दोस्तों कोई भी जो आपको साधारण टीम जो लगती है, यानी कि जो वीक टीम है, वो गाइज कभी भी स्ट्रांग टीम को हरा देती है। यानी कि जो छोटी टीम है वो देखो बड़ी टीम को कभी भी हरा सकती है। जो 2020 का मैच होता है वो गाइज 1 से 2 ओवर में कभी भी पासा पलट सकता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आयरलैंड की प्लेइंग 11 क्या रहेगा और गाइज देखो प्लेयर का पोजीशन क्या रहेगा, ठीक है। तो गाइज देखो आयरलैंड की ओर से ना ओपनिंग करने आएंगे कैप्टन पॉल स्टर्लिंग और एंड्यू बलबली। देखो पॉल स्टर्लिंग 2020 मैच के जाने माने प्लेयर हैं, और गाइज देखो ये ना सभी मैच सभी देशों में जा जाके उनके लीग मैचेस खेलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनको आइडिया बहुत है और कि गाइज 2020 के मैचेस कैसे खेलना है, तो गाइज इनको तो आप ड्रॉप करने का भूल मत करना, ठीक है। ये देखो अगर चलेगा तो गाइज देखो ये अकेला आपको 60-70 रन करके दे सकता है, ठीक है। यहां पर गाइस देखो आपके लिए लॉरेन टकर और हैरी टेक्टर दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों का यहां पर आप हैरी टेक्टर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। यहां पर आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड चेक कर लो और लॉरेन टकर का यहां पर आप रिसेंट फॉर्म चेक कर लेना, काफी जबरदस्त फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों क्रिस्टोफर कैम्बर ऑलराउंडर में से दोस्तों आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आया था दोस्तों, आपको राइट हैंड बैटिंग नंबर 5 पर और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग भी आपको करके देगा। उसके अलावा जोस डेक्लोर ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो आप चाहो तो इन्हें आप ड्रॉप करके चलना। गाइस यहां पर ग्रेथी डिलेनी, ये भी दोस्तों लेग स्पिनर है, तो गाइस आप चाहो तो आप इन्हें भी ड्रॉप कर सकते हो। बट मार्क आदिर एक और मेन बॉलर, रिसेंट फॉर्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, इंडिया के खिलाफ 2 मैच में 3 विकेट, इकोनॉमी भी दोस्तों 9.33 का है, यानी कि ठीक ठाक है। उसके अलावा गाइस यहां पर ब्रेन मैकरेथी दोस्तों राइट आर्म मीडियम बॉलर, अभी तक हेड टू हेड मैच एक भी मैचेस इंडिया के सामने खेला नहीं है, और गाइस देखो ये प्लेयर
इंडिया को थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है। देखो जोशुआ लिटिल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इनके पास दोस्तों गति है, तेज गति के साथ बॉलिंग करता है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आप चेक कर लो, 2 मैच में 3 विकेट, बट दोस्तों इनकी पिटाई बहुत होती है, ठीक है। और फिर गाइज यहाँ पर बेन वाइट लेग स्पिनर बॉलर, एक और गाइज आपके लिए यूजलेस प्लेयर, ठीक है, ट्राई करना हो तो आप जीएल में ट्राई करना, उसके अलावा दोस्तों आपकी इनके लिए कहीं भी ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बाकी गाइज देखो स्टार्टिंग ओवर आपको जोशुआ लिटिल, मार्क अदीर और बैरी मैकरेथी डालता हुआ दिख सकता है, एक दो और दोस्तों यहाँ पर आपको इनके दोस्तों फास्टर बॉलर दोस्तों देखो यहाँ पर कस्टिफर कैम्बर का भी दोस्तों आपको दिख सकता है, ठीक है। बाकी डेथ ओवर में आपको जोश जगरोल का एक ओवर, मार्क अदीर, जोशुआ लिटिल आपको बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है। ये तो बात कर लिया गाइज आयरलैंड की प्लेइंग 11, गाइज बात आती है मेन प्लेइंग 11 दोस्तों इंडियन टीम की प्लेइंग 11 इस मैच में क्या रहेगी। देखो इंडियन टीम की ओर से ना एक बात श्योर है, अगर ओपनिंग करने आएगा तो जयसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ी ओपनिंग करने आएंगे, दोनों प्लेयर ने दोस्तों आईपीएल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड बहुत ही जबरदस्त कॉम्बो रहेगा, ठीक है। नंबर 3 पे दोस्तों संजू सैमसन, दोस्तों यार रिस्की प्लेयर है, मतलब यार कंसिस्टेंसी इनके पास नहीं है, स्किल तो बहुत सारे हैं बट देखो कंसिस्टेंट ये प्लेइंग प्लेयर है ना वो देखो चलता नहीं है। हेड टू रिकॉर्ड चेक कर लो, आयरलैंड के खिलाफ एक मैचेस खेला है जिसमें से इन्होंने 77 रन का इन्होंने स्कोर किया था, ठीक है। तो गाइस हेड टू रिकॉर्ड ठीक ठाक है एक मैच के ऊपर, देखो हम यार किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा तिलक वर्मा इनफॉर्म प्लेयर, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए श्रृंखला में काफी बढ़िया इन्होंने इनिंग खेली है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह जो कि देखो आई थिंक मेरे हिसाब से पहले मैच में खेलने वाला है, शिवम दुबे की भी देखो बहुत दिन बाद वापसी इंडियन टीम में होने वाली है और आपको ये बैटिंग के साथ बॉलिंग भी आपको करके देगा, राइट आर्म मीडियम बॉलर है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर, देखो यार इनकी बैटिंग मेरे हिसाब से नहीं आएगी तो एज अ दोस्तों स्पिनर ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही आप इन्हें इंक्लूड करके चलना, ठीक है। उसके अलावा गाइस रवि बिश्नोई लेग स्पिनर, देखो यार इंडियन टीम की ओर से एक ऑर्थोडॉक्स बॉलर और एक लेग स्पिनर बॉलर, केवल दो ही मेन स्पिनर खेलने वाले हैं, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह और गाइस यहाँ पर अर्शदीप सिंह जो कि आपको ये दोनों प्लेयर का दो दो ओवर पावर प्ले में रहेगा और दोनों प्लेयर का दोस्तों लास्ट के दो दो ओवर डेथ ओवर में रहने वाला है, ठीक है। अगर गाइस मुकेश कुमार खेलता है तो देखो मुकेश कुमार को फिर डेथ ओवर में इंक्लूड कर लिया जाएगा और फिर पावर प्ले में आपको अर्शदीप सिंह ही बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे और फिर गाइस देखो डेथ ओवर मुकेश कुमार और गाइस यहां पर आपको बुमराह डालता हुआ दिख सकता है जो कि अभी फिलहाल में इंडियन टीम का कैप्टन भी है, ठीक है। बाकी देखो यार बेंच पर आपको जितेश शर्मा, शहबाज अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा और अवेश खान दोनों फास्टर हैं, आपको देखो दिखने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर देखो आपको अर्शदीप सिंह, बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर का रहेगा, ठीक है। सुंदर देखो पावर प्ले में काफी बढ़िया, मतलब काफी कम इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करवाता है। और गाइज डेथ कोर में आपको देखो बिश्नोई, तो यार मैंने यहाँ पर नाम थोड़ा गलत ऐड कर लिया है, आप यहाँ पर मुकेश कुमार को ऐड कर सकते हो, बाकी बुमराह और अर्शदीप सिंह का दोस्तों ओवर रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने बात कर लिया दोस्तों सिंपली दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है और प्लेयर का पोजीशन क्या है। अब दोस्तों फाइनल टीम की बात करने से पहले गाइज आपके लिए गिवअवे का क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गाइज अब यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल SSGM को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सभी टीमें ना बिल्कुल फ्री में मिलती है और गाइज देखो आपसे एक भी रुपये का चार्ज हम लोग नहीं लेते यार, बहुत सारे लोग क्या है कि यार रेगी पे के नाम पर आपसे 100-200 रुपए लेते रहते हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपको सभी टीमें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा टॉस के बाद। तो अगर आप खेलकर विनिंग करना चाहते हो तो मेरा भाई ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, दोस्तों इस मैच का मैन ऑफ द मैच बनने वाला प्लेयर कौन से प्लेयर रहेंगे, और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन गाइस इस मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने वाला प्लेयर कौन सा रहेगा। तो गाइस दोनों क्वेश्चन उतने ज्यादा हार्ड नहीं है, मैन ऑफ द मैच और सबसे ज्यादा कैच कौन सा प्लेयर लेगा, कमेंट सेक्शन में जाओ और मैच से पहले ही आपको ये दोनों सवालों के आपको सही आंसर देने हैं, जो भी दोस्तों विनर होगा उन्हें दोस्तों 300 रुपए का फ्री प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वो भी दोस्तों वीडियो को देखकर। अगर वीडियो पे अगर आपका सपोर्ट नहीं आता है तो गाइस प्राइस भी आपको कम मिल सकता है, ठीक है। तो वीडियो पे आप सपोर्ट करना। अब गाइस मैं यहाँ पर टीम की बात करूँ, देखो यार टीम में मेरे रिस्की ऑप्शन संजू सैमसन है और मैंने अभी के लिए मैंने पॉल स्टर्लिंग को ड्रॉप कर रखा है, ठीक है। बट देखो पॉल स्टर्लिंग जाने माने प्लेयर है, उनका ये होम ग्राउंड भी रहेगा, प्लस में टीम के कप्तान भी है, तो गाइस पॉल स्टर्लिंग आपके टीम में बनता है, ठीक है। अगर आपको पॉल स्टर्लिंग को लेना है तो यहाँ पर आपको संजू सैमसन को ड्रॉप कर देना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप चाहो तो अपनी टीम में दोस्तों एल टकर को भी ड्रॉप करके आप पॉल स्टर्लिंग को आप ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन अभी के लिए मेरा जसप्रीत बुमराह और जयसवाल है, बाकी गाइस देखो बुमराह थोड़े मतलब बहुत वर्षों बाद वापसी कर रहे हैं तो आप चाहो तो आप इन्हें VCF नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। देखो जीएल के लिए मैं आपको कुछ प्लेयर सजेस्ट
करता हूँ। देखो जीएल में आपके लिए जोशुआ लिटिल बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्रिस्टोफर कैम्बर आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देंगे। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आपके लिए संजू सैमसन जो कि नंबर 3 पे खेलने आएगा ऑलमोस्ट, और प्लस में आपको ये विकेट कीपिंग में दोस्तों कैच आउट प्लस में आपको रन आउट का एक्स्ट्रा पॉइंट भी करके दे सकता है। तो वो गाइस ये कुछ प्लेयर हैं जो कि आपको अपनी टीम में जीएल अगर आप खेल रहे हो तो आप अपनी टीम में कप्तान वाइस कप्तान आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी गाइस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई वीडियो को आप लाइक करना, ठीक है, दोस्तों तक शेयर करना होगा तो गाइस वो भी बहुत अच्छी बात होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए श्री भाई को हमारी ओर से बेस्ट प्लान।